चलो अभी जो क्वेश्चन हमने देखे थे उनके सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ हमने देखी कि क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दिस इज व्हाट अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन है ना। डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनती है हमने देखा था, दैट वाज बाय वन वन एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, कौन सी चीज़ होती है तो बोलेंगे ओ एच निगेटिव यहाँ से एच को हटाता है, वो क्या हटाएगा यहाँ से सी एल निगेटिव को हटाता है, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका यहाँ पर लाए, डाइक्लोरोकार्बीन का। ठीक है, अभी जो डाइक्लोरोकार्बीन है इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने कि डाइक्लोरोकार्बीन जो होती है ये क्या करती है यहाँ पे साइक्लो एडिशन करती है। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन का क्या होता है, साइक्लो एडिशन होगा, साइक्लो एडिशन से ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड बनता है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या रहेगा, दैट इज क्वाइट अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस थ्री मेंबर्ड रिंग। तो क्या होगा, यहाँ से ये रिंग ओपन होती है, इसको अपने यहाँ से यहाँ घुमाया तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर छूटेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रिंग क्या हो जाएगी, फाइव मेंबर्ड से सिक्स मेंबर्ड हो गई है ना। अब कौन सी चीजें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचता है। ठीक है, और ये निगेटिव जो है ये एडजेसेंट कार्बन जिस पर दो क्लोरीन लगे, तो दो क्लोरीन की वजह से क्या था, वहाँ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो वो कार्बन कैसा था, दैट वॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना। तो कौन सी चीज होगी, निगेटिव कार्बन जो वहाँ अटैक करेगा, सी एल वहाँ से बाहर हट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सी एल बचा है, इस कार्बन पर क्या छूटा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छूटा है ना। कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। समझ आ गई बात, ये है ना, कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, ये एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ से ये एच हटेगा पॉजिटिव के फॉर्म में है ना, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी काफी ज्यादा होती है, वजह क्या है, हम बोलेंगे एच के हटने से यहाँ पर क्या आने वाला था, डाइट एरोमेटिसिटी। समझ आ गई बात, ये तो इस वजह से कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे यहाँ जो कंपाउंड ये क्या बन जाएगा, दैट इज एरोमेटिक बन जाता है। आगे समझ में है ना, तो इधर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ क्लोरो बेंजीन। क्लियर है अच्छे से ये है ना, एक बार ध्यान से समझ लेना क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 4, और उन सब में क्या रहेगा, कार्बीन जो अलग अलग टाइप की बनने वाली है ना। तो हमने बोला था यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन बनी, साइक्लो एडिशन हुआ, बनने वाला कंपाउंड अनस्टेबल था, तो क्या किया अपन ने यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड के टूटने से फाइव मेंबर्ड रिंग सेवन मेंबर्ड हो गई, ये कार्बन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया, नहीं दो क्लोरीन वाला कार्बन, इस पर पॉजिटिव है इस पर निगेटिव है, निगेटिव वाले कार्बन ने दोनों क्लोरीन वाले कार्बन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वहां अटैक करके किसको, सीएल को हटा दिया। इधर कार्बन पर क्या छूटा था, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन था, इस कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव यहाँ आया था। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ से एच पॉजिटिव हटेगा, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी काफी ज्यादा है क्योंकि एच के हटने से यहाँ पर रिंग क्या बन रही है, एरोमेटिक बन रही है, इस वजह से यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाएगा, दैट इज क्लोरो बेंजीन। समझ आ गई बात, ये है ना, इधर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्लोरो बेंजीन बन जाता है। समझ आ गया है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या है, सी एच एस सी एल बी आर, तो ओ एच निगेटिव जब यहाँ से एच पॉजिटिव को खींचेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और सी निगेटिव, अब तीन अलग अलग टाइप के हैलोजन है ना, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो कौन सा हटेगा, तो हम बोलेंगे इट इज बी आर निगेटिव, क्योंकि सी बी आर बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है वो किसका होता है, इट इज ऑफ फ्लोरो क्लोरो कार्बीन का। आया ना समझ में, हमने बोला ओ एच निगेटिव ने एच को खींचा, एच के हटने से कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज आया तो उसने अपने ऊपर से किसको हटाया, तीनों हैलोजन्स में से जो सबसे वीक बॉन्ड से कनेक्टेड था, दैट इज बी आर, तो सी बी आर बॉन्ड टूटा तो कार्बीन बनी यहाँ पर कौन सी, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बीन। समझ आ गई बात, ये क्लोरो फ्लोरो कार्बीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने बोला इट इज साइक्लो एडिशन, फिर वैसे ही रिंग खुली, अब इस कार्बन पर निगेटिव, यहाँ पर फिर से वही लॉजिक लगेगा, सी नेगेटिव जब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा तो फ्लोरीन भी हट सकता है क्लोरीन भी, लेकिन कौन सा बॉन्ड वीक है, दैट इज कार्बन क्लोरीन,
इसलिए क्या हो जाएगा, सी एल निगेटिव हटेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज फ्लोरो बेंजीन, है ना। यहाँ लास्ट वाले स्टेप पर जो लॉजिक लग रहा है, दैट लॉजिक इज व्हाट, तो हमने बोला इट इज सी निगेटिव के कार्बन पर अटैक्स है ना, दोनों में से किसी एक हेलोजन को हटना था, तो कौन सा हेलोजन हटा, जो ज्यादा वीक बॉन्ड से कनेक्टेड था। समझ आ गई बात, ये यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है इसका, दैट इज ऑफ फ्लोरोबेंजीन। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, ये हम कौन से देखेंगे, हम बोलेंगे इट इज सी एच सी एल टू बी आर एन। क्या होगा यहाँ पर, हमने बोला ओ एच निगेटिव ने एच को खींचा, फिर ऊपर वाले लॉजिक से ही क्या होगा, हम बोलेंगे बी आर हटेगा, तो यहाँ पे तो वही बन गई डाइक्लोरोकार्बीन, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, फ्लोरोबेंजीन, फर्स्ट वाले रिएक्शन के मैकेनिज्म जैसा ही। ठीक, तो अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। इसके बाद फिर क्या है, सी एच बी आर टू सी एल है, तो सी एच बी आर टू सी एल में क्या होगा, हम बोलेंगे एच हटा, फिर कार्बन पर से कौन हटा, बी आर, तो बचा क्या है यहाँ पे, इधर सी बी आर सी एल बचा। ठीक है, अब सी बी आर सी एल का मैकेनिज्म इसके जैसा होगा, ये क्या था फ्लोरो क्लोरोकार्बीन, ये क्या दिस इज ब्रोमो क्लोरोकार्बीन। ठीक है, इसका जब यहाँ पर साइक्लोडिशन होगा इस टाइप की चीज बनेगी, तो यहाँ से हटेगा कौन, तो हम बोलेंगे सी बी आर बॉन्ड वीक था तो बी आर निगेटिव हटा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, दैट इज क्लोरोबेंजीन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इसका अटैक इसके जैसे ही होगा, वो फाइनली यहाँ से सी सी एल बॉन्ड टूटा था क्योंकि सी एल स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे सी बी आर सी एल है तो सी बी आर बॉन्ड टूटेगा क्योंकि सी सी एल स्ट्रॉन्ग है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बचेगा दैट विल बी व्हाट, दैट क्लोरोबेंजीन। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो है ये कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे होता है सी सी एल ट्री सी ओ ओ एन ए। ठीक है, इसको जो अपन हीट करते हैं तो इसकी हीटिंग से मतलब तो सॉल्ट था तो आयनाइज तो हो जाएगा। अब सी सी एल ट्री सी ओ ओ निगेटिव जो है, हीटेड कंडीशन में क्या होगा इसमें से, इट इज सी ओ टू का लॉस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है हमने, सी ओ टू के लॉस बाय फ्रेगमेंटेशन से क्या बचा, इट इज सी सी एल थ्री निगेटिव बचा। ठीक है ना, कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला इट इज सी ओ टू का लॉस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो उससे फॉर्मेशन हुआ किसका, दैट इज सी सी एल थ्री निगेटिव का। ये सी सी एल थ्री निगेटिव अपने में से क्या हटाएगा, दैट सी एल निगेटिव। इस सी एल निगेटिव के हटने से क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन का साइक्लोहेक्सीन पर क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लो एडिशन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। आए ना समझ में, कौन सी चीज थी, इसका आयनाइजेशन हुआ, हीटिंग की वजह से फ्रेगमेंटेशन हुआ, बचा सी सी एल थ्री निगेटिव, इसने सी एल निगेटिव हटाया, बना डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन का अल्कीन पर क्या हुआ, इट इज साइक्लो एडिशन हुआ। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, नहीं कौन सी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सिक्स वाले क्वेश्चन में, इधर ये अल्कोहलिक लिंकेज दिए एच पॉजिटिव हीटिंग के साथ, नहीं क्या हो जाएगा, पहले इसका प्रोटोनेशन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हटा, एच टू हटा, सी पॉजिटिव के एडमिशन कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक, डिहाइड्रेशन काफी फेवरेबल क्योंकि बनने वाला कंपाउंड ए इज व्हाट, एरोमेटिक। समझ आ गई बात ये, ए एरोमेटिक था, अब इससे वही फिर आगे सी एच एस सी एल बी आर के ओ एच क्या हो गया यहाँ पे, सी एच सी एल, ये वाली फ्लोरोक्लोरोकार्बीन बन गई, इसके जैसी मैकेनिज्म भी वैसे ही, क्या हुआ साइक्लो एडिशन। अब साइक्लो एडिशन के बाद ये अनस्टेबल कंपाउंड ये टूटा, इसमें बॉन्ड नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन की तरफ ही तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा जो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा अंदर, डबल बॉन्ड बना, एन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो अपने ऊपर से हटाएगा एच पॉजिटिव, इस कार्बन पर क्या छूटा है यहाँ, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये निगेटिव जब पड़ोस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो वही लॉजिक, कौन सा बॉन्ड वीक है, इट इज कार्बन क्लोरीन, तो वो टूटेगा, वो कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पाई बॉन्ड, मतलब कंपाउंड कैसे बन जाएगा, दैट इज एरोमेटिक। समझ आ गई बात ये, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन से एरोमेटिक कंपाउंड, फिर इससे फ्लोरोक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन, फिर फ्लोरोक्लोरोकार्बीन का साइक्लो एडिशन, फिर साइक्लो एडिशन के बाद कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे साइक्लो एडिशन के बाद ना क्या हो जाएगा यहाँ, हमने बोला इधर ये निगेटिव चार्ज किसको हटाएगा, दैट इज क्लोरीन को हटाता है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन यहाँ पर इसका हो जाएगा, दैट इज फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ दैट पाइरिडीन। आगे समझ में, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में
क्या बोला था अपन ने, डायजो मीथेन टाइप के लिंकेज है, तो इसको गर्म करने से क्या होगा, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का इवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बीन। ठीक है, अभी जो कार्बीन बनी है ये कार्बीन कैसी है, तुमने बोला दिस कार्बीन इज व्हाट दैट, तुमने बोला इट इज असाइल कार्बीन। असाइल कार्बीन पर क्या होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, सिंपल ये, दिस इज एटम नंबर वन, दिस इज एटम नंबर टू, एटम नंबर टू से एटम नंबर वन पर किसी ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, तो ये वाला बॉन्ड टूटा इधर, इस कार्बन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव ने एटम नंबर वन से नया बॉन्ड बना लिया, तो क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से इस कार्बन पर नेगेटिव, इस सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या छूटा था, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव बन गया दैट पाई बॉन्ड, इससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड कीटीन का। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूटेड कीटीन पर MeNH2 का क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग, तो न्यूक्लियोफाइल है, सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का इधर कार्बन पर अटैक होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया था, तो नाइट्रोजन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, वो अपने ऊपर से एच पॉजिटिव हटाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, ओ निगेटिव, तो ये ओ एच हो गया और कार्बन पर क्या छूट गया, इट इज एम ई एन एच। ठीक है, अभी कौन सी टॉटोमेरिज्म वाली कंडीशन है, दिस इज वॉट काइंड ऑफ इनॉल, तो ये इसका एच आ जाएगा कार्बन पर और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बन गया इधर, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एम ई, समझ आ गई बात, ये तो इससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, है ना, हमने बोला था यहाँ इसकी हीटिंग से असाइल कार्बीन बनी, असाइल कार्बीन में क्या हुआ, दैट वुल्फ रीअरेंजमेंट, वो थ्योरी में पढ़ा था हमने, इससे यहाँ पर बना सब्स्टिट्यूटेड कीटीन, कीटीन के ऊपर क्या हुआ, MeNH2 का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, दैट वॉज इनॉल टाइप का, तो उसमें टॉटोमराइजेशन हो गया, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, दैट सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, समझ आ गई बात, ये है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी है, एट्थ वाला क्वेश्चन ये भी इसी के जैसा ही है ना, इसमें आगे कुछ नहीं पूछा है, लेकिन ये क्या डायजो मीथेन टाइप के लिंकेज, इसको हमने गर्म किया, नाइट्रोजन उड़ी यहाँ से, तो फॉर्मेशन हुआ किसका, दैट इज ऑफ दिस कार्बीन, इट इज असाइल कार्बीन बनी, असाइल कार्बीन में ये रीअरेंजमेंट हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इससे सब्स्टिट्यूटेड कीटीन बन जाएगी, ये कार्बन स्टार को हमको फॉलो करते चलना है, समझ आ गई बात, ये तो ये सिंपल वुल्फ रीअरेंजमेंट का केस है, इसमें क्या बनवा दिया हमने, दैट सब्स्टिट्यूटेड कीटीन, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ये है ना, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो फिर हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है।